सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस कैसे आप लोग, मेरा नाम अभिषेक है और टेक्नोरिव्यू में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन मोटो वन पावर और ऑनर 8X के बीच। तो मोटो वन पावर में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 636 और 4GB का रैम, जहाँ ऑनर 8X में हमें मिलता है हाई सिलिकन किरिन 710 के साथ 6GB का रैम। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों फोन की परफॉर्मेंस और एट द एंड हम देखेंगे कि दोनों फोन में से किसकी रैम मैनेजमेंट है सबसे बेटर। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। ओके, तो ये है Honor 8X और ये रहा हमारा Moto One Power। सो पहले हम दोनों ही फोन के बॉक्स सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं एंड्रॉयड वर्जन। और ये कल ही हमें मिला है Moto में Android P का अपडेट। और जैसे आप देख सकते हैं कि Honor में चल रहा है Android 8.1 Oreo, जहां Moto One Power चल रहा है ऑन Android 9 Pie। तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे फोन्स की बूटिंग टेस्ट से और दोनों में ही चले जाते हैं रीस्टार्ट स्क्रीन पे और लेके आते हैं हमारा स्टॉप वॉच, जिसमें हम दोनों फोन की एग्जैक्ट बूटिंग टाइम चेक करेंगे। और तो स्टॉप वॉच को चला लेते हैं और रीस्टार्ट पे टैप करते हैं 3, 2, 1, go। ओके, तो क्लॉक पे जब एग्जैक्टली 5 सेकेंड का टाइम हुआ था तब हमने रिस्टार्ट पे टैप किया है। तो नाउ देख लेते हैं कि कौन सा फोन पहले बूट होता है। ऑलराइट, तो ऑनर पहले बूट हो गया है 39-5 मतलब 34 सेकंड्स में। और मोटो में अभी भी बूटिंग चल रहा है, पर बस 5 सेकंड के बाद मोटो भी बूट होके आ गया। तो यह स्टॉपवॉच को साइड में रखेंगे और जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरे स्पीड टेस्ट की तरह आज भी हमारे पास है कुछ डेली यूजिंग और सोशल ऐप्स, जैसे फोन कैमरा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल मैप्स, एडोबी प्रीमियर क्लिप, जिसमें हम दोनों फोन की GPU रेंडरिंग स्पीड चेक करेंगे, शॉपिंग ऐप्स जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट, एक लाइट वेट गेम, दो हैवी गेम्स और क्लॉक ऐप, जिसमें हम पूरे टेस्ट के टाइम स्टॉपवॉच को चला के रखेंगे दोनों ही फोन में। टेस्ट शुरू करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, दोनों में ही लोकेशन या फिर GPS जो है वो ऑन है और दोनों फोन की बैकग्राउंड मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशंस रनिंग नहीं है। ऑलराइट, तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे क्लॉक ऐप में जाके और दोनों में ही स्टॉपवॉच को चला लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं फोन ऐप पे और फोन ऐप थोड़ा पहले लोड हो गया ऑनर में, पर वैसा कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है कैमरा और कैमरा ऐप अगेन ऑनर में पहले आ गया। चलते ट्विटर पे और ट्विटर को चला लेते हैं 3, 2, 1 और ट्विटर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हो गया। और नाउ लेटेस्ट ट्वीट्स को रिफ्रेश कर लेते हैं होम पे टैप करके और फिर सेम टाइम पे रिफ्रेश हो गया। सो नाउ होम पे टैप करके चलते इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम अगेन सेम टाइम लिया दोनों फ़ोन ने। चले जाते हैं फेसबुक में और फेसबुक एक सेकंड पहले लोड हो गया मोटो में, पर एकदम ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है। ओके, तो चलते हैं मैप्स पे और जैसे आपने देखा गूगल मैप्स अगेन पहले लोड हो गया ऑनर में, जहां एक सेकंड के बाद जाके मैप्स लोड हुआ मोटो में, पर दोनों में मैप्स चलाने के तुरंत बाद आ गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन। ऑलराइट, नाउ चले जाते हैं एडोबी प्रीमियर क्लिप में और प्रीमियर क्लिप में हम सेम 1 मिनट की क्लिप को दोनों फोन में इंपोर्ट कर लेंगे और क्लिप सेटिंग्स में जाके 50% स्लोअर करके बैक करके शेयर पे टैप करके सिलेक्ट कर लेते हैं सेफ टू गैलरी और 1080p को सिलेक्ट करके लेके आते हैं हमारा स्टॉपवॉच और यहाँ से स्टॉपवॉच को भी चला लेते हैं। नाउ दोनों फोन की GPU रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू पे टैप करके इन 3, 2, 1, go। ओके, तो रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है और ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, पर आप देख पाएंगे दोनों फोन की रेंडरिंग स्पीड। तो यार जैसे हम देख सकते हैं कि किरिन 710 स्नैपड्रैगन 636 से काफ़ी फास्ट है और ऑनर में टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जहां मोटो में अभी भी टेस्ट चल रहा है अराउंड 55% में। ओके, तो ऑनर ने टेस्ट को ख़त्म कर लिया है 3:18 में और नाउ हम देख लेते हैं कि मोटो को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है GPU रेंडरिंग टेस्ट को कम्प्लीट करने में। ऑलराइट, तो मोटो ने टेस्ट को कंप्लीट किया है 5:25 में और ना हम यहाँ से स्टॉपवॉच को हटा देंगे और दोनों ही फोन में इसी सेम स्क्रीन पे रख के होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे होम स्क्रीन पे और कंटिन्यू करेंगे हमारा स्पीड टेस्ट सबवे सर्फर्स को चला के। तो यार ऑनर में पहले आ गया सबवे सर्फर्स की मेन मेन्यू और उसके 2 सेकेंड के बाद मोटो ने भी लोड कर लिया सबवे सर्फर्स। एनीवेज, नाउ यहाँ से एक मैच चला के डायरेक्टली होम बटन पे टैप कर देंगे गेम को बैकग्राउंड में पॉज रख के। तो नाउ हम चले जाएंगे पबजी में और पबजी को चला लेते हैं इन 3, 2, 1। ऑलराइट, तो नाउ देखते हैं कि कौन से फ़ोन में पहले आता है पबजी का मेन मेन्यू।
ऑलराइट, तो जैसे आपने देखा ऑनर में पहले आ गया पबजी का मेन मेन्यू और मोर देन 10 सेकेंड्स लगा मोटो को पबजी लोड करने में। एनीवेज, तो अगेन यहाँ से हम पबजी को बैकग्राउंड में रख के होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे हमारे शॉपिंग एप्स में और अमेजन को दोनों ही फोन में चला लेते हैं। Amazon थोड़ा पहले लोड हो गया Honor में, क्योंकि जैसे हमने देखा कि पिक्चर्स पहले आ गया Honor में, तो नाउ चले जाते हैं Flipkart में और यहाँ से Flipkart को चला लेते हैं। Flipkart को चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया दोनों फ़ोन ने Flipkart को लोड करने में, तो फाइनली चला लेते हैं Aswell 9 और इसे चला के देखते हैं कि किस में पहले लोड होता है Aswell की मेन मेन्यू। तो जैसे आपने देखा Honor में Aswell की मेन मेन्यू पहले आ गया, पर बस 2 सेकंड के बाद जाके मेन मेन्यू लोड हुआ मोटो में। तो यहाँ से डायरेक्टली चले जाते हैं होम स्क्रीन पे और यहाँ पे मल्टीटास्किंग विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे टेस्ट के टाइम सारे एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रखे थे ताकि अभी जाके देख पाए दोनों फोन में से किसकी रैम मैनेजमेंट है बेटर। तो रैम मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं क्लॉक ऐप से और स्टॉपवॉच अभी भी दोनों फोन में चल रहा है। नेक्स्ट है फोन ऐप और फोन ऐप Honor की मेमोरी में है जहाँ मोटो ने इसे रिस्टार्ट किया है। नेक्स्ट है कैमरा, कैमरा ऐप रनिंग है दोनों फ़ोन की मेमोरी में। ट्विटर पे चले जाते हैं और जैसे आप देख सकते हैं ट्विटर Honor में रनिंग है जहाँ मोटो में रिस्टार्ट हुआ है ट्विटर। इंस्टाग्राम और फेसबुक को चलाने के बाद हम देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन में इंस्टाग्राम और फेसबुक रनिंग है। नाउ गूगल मैप्स को चला लेते हैं और मैप्स सिर्फ Honor की बैकग्राउंड मेमोरी में है जहाँ मोटो ने इसे रिस्टार्ट किया है और यही सेम हमें मिला है जब हमने चलाया प्रीमियर क्लिप को, क्योंकि प्रीमियर क्लिप सिर्फ Honor की बैकग्राउंड मेमोरी में रनिंग है। नेक्स्ट चले जाते हैं सबवे सर्फर्स में और अगेन सबवे सर्फर्स की रिज्यूम ऑप्शन हमें मिला है सिर्फ Honor में, पर पबजी को चलाने के बाद हमें मिल गया है पबजी का मेन मेन्यू दोनों ही फ़ोन में। और सेम गोज विथ शॉपिंग एप्स, क्योंकि Amazon और Flipkart भी दोनों फ़ोन की मेमोरी में रनिंग है। और फाइनली चला लेते हैं Aswell 9 और अगेन Aswell की मेन मेन्यू आ गया दोनों ही फ़ोन में। तो यार ओवरऑल अगर बात करें परफॉर्मेंस की, देन दोनों ही फ़ोन की ऐप ओपनिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम है, पर कुछ ऐप्स Honor में थोड़ा पहले लोड होता है। एक चीज़ जो मैंने देखा मोटो में वो है कि एंड्रॉयड पाई अपडेट के बाद किसी भी एप्लीकेशन आइकन को जब आप टैप करते उसके 1 सेकेंड बाद जाके वो ओपन होता है, पर आई थिंक अपकमिंग अपडेट्स में ये ठीक हो जाएगा। एनीवेज, अगर बात करें GPU रेंडरिंग की, तो Honor 8S की Kirin 710 जैसे आपने ऑलरेडी देखा रेंडरिंग स्पीड में ऑलमोस्ट डबल है स्नैपड्रैगन 636 से जो हमें मिलता है मोटो में। नाउ मल्टीटास्किंग या फिर रैम मैनेजमेंट दोनों ही फ़ोन की बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन Honor ने अपने मेमोरी में रखा है, जहाँ कुछ एप्लीकेशंस को छोड़ के मोटो में भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड मेमोरी में रनिंग था। पर नाउ आप हमें बताएं कि आपको Honor 8X और मोटो में से स्पीड टेस्ट के हिसाब से कौन सा बेटर लगा है। और यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।